लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज असम में बाढ़ और मणिपुर हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी परेशानियां बताईं। राहुल गांधी ने वादा किया कि ये मुद्दा वो सदन में जरूर उठाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज असम और मणिपुर के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने बाढ़ग्रस्त असम के सिलचर में राहत शिविर का दौरा किया। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से भी मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के बाद राहुल गांधी की पूर्वोत्तर की ये पहली यात्रा है। सिलचर एयरपोर्ट पर असम और मणिपुर के नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी सुबह करीब 10 बजे पहले असम के सिलचर पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां बाढ़ और मणिपुर हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। ये इलाका हिंसा प्रभावित मणिपुर से लगा हुआ है। राहुल गांधी ने असम के फुलेर ताल में मणिपुर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यहां हिंसा प्रभावित लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। हिंसा प्रभावितों से पीड़ितों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने उनकी परेशानी जानी और संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही। It's the third time I've come here since the problem started, and it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody, and I have never seen anywhere in India. मणिपुर में राहुल गांधी ने चुरा चांदपुर में रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और वहां जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान कुकी और मेते ही दोनों ही समुदाय के पीड़ितों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।